आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज आप लोग का लॉ का पेपर था और उम्मीद है आप लोग का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। उसके बाद जो हमारा अगला एग्ज़ाम है बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स का, ये थर्ड पेपर है और काफ़ी कुछ निर्भर करता है फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर करना इस पेपर पे, क्योंकि अधिकांशतः बच्चे जो है वो इसी पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा पेपर थ्री है और इसका जो शेड्यूल है वो 18 तारीख को है, संडे को। एग्ज़ाम टाइमिंग आप लोग को पता होगा, 2 बजे से 4 बजे तक। और बच्चों इसमें MCQ क्वेश्चन रहता है पूरा पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन रहता है और यह क्वेश्चन जो है हमें बहुत ही ध्यान से अटेम्प्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिस पर हमें विश्वास नहीं है, उसके वजह से क्या होगा कि हमारे आते हुए नंबर भी कट सकते हैं। इसीलिए बिल्कुल केयरफुल इसे करना है, क्योंकि ये पहला एग्ज़ाम होगा जिसमें MCQ होगा। तो इसकी रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे हमें बनानी है, जैसा कि आप आज आप लोग पेपर दे करके आए होंगे और तकरीबन 5-6 बज गए होंगे, तो हमें इसकी रिवीजन की प्लानिंग बनानी है। तो आज हम सबसे पहले जो इसका रिवीजन करेंगे उसका शेड्यूल रखेंगे तकरीबन 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक। ये हमारा पहला स्ट्रेटजी रहेगा, जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो स्टैटिस्टिक्स का होगा उसे हम रिवीजन करेंगे। और यही आपके पासिंग के लिए, क्योंकि ये मस्ट डू टॉपिक है। मस्ट डू मतलब सभी बच्चों को करना है, चाहे वो किसी भी लेवल का है, उन्होंने 11th 12th में मैथ्स रखा हो या ना रखा हो, जिनके पास नहीं है उनको भी ये करना है और जिनके पास है उनको भी करना है, क्योंकि यही आपका स्कोर करेगा और इसी से आपको पास होने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो स्टेट्स में थ्योरिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल में भी अवेलेबल है। तो स्टेट्स में जो जो चैप्टर हमें करना है सीरियल वाइज, सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 14 करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, जहाँ से हर साल 6 से 7 क्वेश्चन आता है। और बच्चों मैथ्स का जो पेपर आएगा आपका, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन सफल क्या रहेगा। हो सकता है कि पहला क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का है, तो दूसरा क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी का पूछ दे और तीसरा टाइम वैल्यू मनी का पूछ दे। इसलिए क्वेश्चन देखते ही आपको पिकअप करना है कि वो चैप्टर कौन सा है जिसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले चैप्टर नंबर 14 करेंगे, जिसमें डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा गया है थ्योरेटिकल। ये 6 से 7 नंबर का टॉपिक है। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 15 पे, जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसमें मीन मीडियन मोड और इसके साथ साथ इसका डिस्पर्सन भी पढ़ना है। इसमें 2 पार्ट है, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो है मीन मीडियन मोड, जिसमें से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 7 क्वेश्चन टोटल आएगा, वेटेज रहेगा। साथ ही साथ डिस्पर्सन है जो इससे जुड़ा हुआ है, जो कि 5 नंबर का है। तो ये मोटा मोटी जो है वो 12 नंबर का चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बहुत ही ध्यान से करना है। और इसमें फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखना है, डिस्पर्सन में जो भी मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले दिए हैं बुक में, उन फॉर्मूले को हमें बार बार रिवाइज करना है। और उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन हैं, स्टडी मटेरियल में बेसिकली सेट ए बी और सेट सी का जो क्वेश्चन आपको बताया गया है वही करना है। सेट सी के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है और उससे क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर आता भी नहीं है। बट सेट ई और बी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। उसके अलावा जो मॉक टेस्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन है वो भी आपको रिविजन करना है। देन नेक्स्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 18, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जिसका वेटेज 5 नंबर है। और ये चैप्टर काफ़ी ईजी है, जिसमें आप ऑप्शन के द्वारा भी आंसर निकाल सकते हैं, तो इसका रिवीजन भी हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 19, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर में भी फॉर्मूले हैं, इन्हें आपको याद रखना है। साथ ही साथ एडिशनल क्वेश्चन बैंक में कंज्यूमर इंडेक्स पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जहाँ पर इंडेक्स नंबर चेंज होता है और सैलरी चेंज होने का पूछा जाता है, तो इसे भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। और बच्चों ये पहला आपका स्ट्रेटजी था जो लगभग 30 नंबर का है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम आज के डेट में कर लेंगे। आज की डेट इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है, ये करते करते तकरीबन हमारा 11 बज जाएगा, उसके बाद हम लोग रेस्ट करेंगे और फिर अगले दिन जब सुबह फिर उठेंगे तो 7 बजे से पहला हमारा जो कि सेकेंड स्ट्रेटजी होगा, जिसमें हम लोग रीजनिंग पार्ट कवर करेंगे। और रीजनिंग में क्या है कि हम लोग ने प्रैक्टिस पहले से कर रखा होगा, क्योंकि ज़्यादातर इसमें आप नए क्वेश्चंस कर नहीं सकते हैं, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत वास्ट है। और इस टॉपिक में ये है कि अगर आपको इसका रूल्स पता है तो आप नए क्वेश्चंस को भी इजीली कर सकते हैं।
इसमें आपको सबसे पहले ब्लड रिलेशन पढ़ना है, जो आपके स्टडी मटेरियल में कुछ रिलेशंस दिए हैं उसको याद करके, और फिर करना है डायरेक्शन टेस्ट, वही चारों डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन सिटिंग अरेंजमेंट आप करेंगे, और लास्ट में आप नंबर कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर का 12, 10 और 11 चैप्टर हैं इसमें आपके श्योर श्योर क्वेश्चन, पूरे पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर देंगे और नंबर भी पूरे आ सकते हैं। अगर नंबर कहीं ना कहीं आपका कटेगा तो वो इस वाले में कटेगा जिसमें नंबर सीरीज में नंबर का पैटर्न दे दिया जाता है, और एग्जाम में कई बार वो पैटर्न हम फॉलो नहीं कर पाते हैं या हमें नेक्स्ट टर्म पता नहीं चल पाता है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको तुरंत ही क्लिक करेगा, अगर बहुत देर तक दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है कि अगला नंबर क्या होगा तो आप उसे स्किप कीजिएगा और उसे बाद के टाइम के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर एक बार आप पैटर्न ढूंढने लगेंगे और नहीं पता चल रहा है तुरंत तो उसको स्किप करेंगे हम लोग, ठीक है। और रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 20 मार्क्स का आता है, जनरली बच्चे इसमें 18 से 20 नंबर लेकर ही आते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान से करना है। अगर ये आपने पहला और दूसरा पार्ट कर लिया तो आपके 50 नंबर का टॉपिक कवर हो जाता है, अगर इसमें आपने 90% का एक्यूरेसी रखा है तो 45 नंबर आपके इसमें पक्के हैं, जो आपको पास होने के लिए काफ़ी है। फिलहाल आगे हमें इसके बाद ये भी करना है कि रीजनिंग कवर होने के बाद हम अपने मैथ्स पोर्शन पे आएंगे, जो हमारा थर्ड प्लान होगा, यह हम सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद 11 बजे से 2 बजे के बीच में करेंगे, और ये हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है टाइम वैल्यू मनी। और बच्चों टाइम वैल्यू मनी में ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का ही पूरा क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन टॉपिक पर भी फोकस करना है, क्योंकि इसके भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन करेंगे जो भी आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, साथ ही साथ आप एडिशनल बैंक भी, क्वेश्चन बैंक भी कर सकते हैं, और जितना भी क्लास में प्रीवियस ईयर के पेपर कराए गए कम से कम इस चैप्टर के तो आपके पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस एक बार करके जाना है और फॉर्मूले को लर्न करके जाना है। एक क्वेश्चन डिफरेंस के बेस पे भी देगा CA और SI के, हर साल वो क्वेश्चन देता ही देता है। ये 14 से 13 मार्क्स तक कवर करता है आपके पेपर में, ठीक है। इसको करने के बाद हम अपना प्लान 4 जो कि 3 बजे आफ्टर लंच हम स्टार्ट करेंगे, 3 बजे से 6 बजे का। ये मैथ्स का वो चैप्टर है जो इजी है, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें रेशियो प्रोपोर्शन है और लॉगरिथम भी है। जिन बच्चों को लॉगरिथम टफ लगता है वो इन्हें स्किप कर सकते हैं और रेशियो प्रोपोर्शन कर सकते हैं, जहाँ से 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन लॉगरिथम का भी रहता है। जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है वो लॉगरिथम कर सकते हैं, अदरवाइज आप लॉगरिथम को स्किप कर सकते हैं। चैप्टर 2 जो कि इक्वेशन है, ये वही इक्वेशन है जो हमने 10th के क्लासेस में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो इस टॉपिक को भी करना है, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन अवेलेबल है। अब अगर किसी बच्चे को ज़्यादा टफ लग रहा है मैथ्स तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्किप कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को आप ज़रूर करके जाना। और बहुत सारे क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम का है उसमें आप ऑप्शन से भी उस प्रॉब्लम को सिचुएशन में रख करके चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन को पूरा पूरा बनाना ही है। देन बच्चों चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज है, सीक्वेंस एंड सीरीज जिसमें APGP के क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछता है, और ये टॉपिक भी आपका जाना पहचाना है और काफ़ी ईजी है। इसे भी आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसके भी ऑप्शन से आ जाता है, जहाँ पर SN और AN दिया रहता है, आप N की जगह 1 रखोगे तो इक्वेशन में भी वही वैल्यू रखने पर आपको इक्वेशन टैली करेगा, जहाँ से आप अपने आंसर को पिक कर सकते हैं, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 3 जिससे एक क्वेश्चन बच्चों हर साल आता है, और ये एक क्वेश्चन या तो आपको ग्राफ दिया रहेगा या स्किल और अनस्किल्स के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, 2 ही क्वेश्चन हैं जो पेपर में उनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा। इस तरह इन चारों स्ट्रेटजी से टोटल हमारा तकरीबन 78 से 80 क्वेश्चन कवर होता है। ये मस्ट डू टॉपिक है, ये हम सभी बच्चों को करना है। अगर हम इस 80 नंबर की तैयारी सही से कर लेंगे तो पेपर में हम जरूर पास होंगे, और सही से हमें रिवीजन करना है, एटलीस्ट स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को जरूर बना करके जाना है। अब आते हैं बच्चों एडवांस लेवल पे, जिन बच्चों का मैथ्स काफ़ी अच्छा है या जिन्होंने 11th 12th में मैथ लिया था उनको ये टॉपिक करके जाना है। जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा नहीं है वो इन्हीं स्ट्रेटजी को, जो ऊपर के बताए गए 4 स्ट्रेटजी है, इनको दोबारा आप रिविजन गो थ्रू आप कर सकते हैं। एडवांस लेवल की तैयारी फिर हम अगले दिन यानी कि 17 दिसंबर को शाम में 7 बजे से 11 बजे करेंगे, जिसमें हमारे ये टॉपिक्स हैं, इनमें हम सबसे पहले थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करेंगे। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बाइनोमियल का क्वेश्चन मिलेगा, बाइनोमियल के बाद आपको पॉइजन का क्वेश्चन मिलेगा, और पॉइजन के बाद आपको
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन मिलेगा, जैसा कि क्लास में कराया गया था, जो पीडीएफ दिया गया है आपको उसी पीडीएफ से सारा आएगा। आप उसकी थ्योरी को जरूर याद करके जाइएगा, इन तीनों के फॉर्मूले को, इन तीनों के जो भी थ्योरी है कॉन्सेप्ट उसको याद कीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें से 3 क्वेश्चन थ्योरी के बेस पे ही रहता है, तो वो आपका कन्फर्म हो जाएगा और ये चैप्टर आपको सबसे पहले करके जाना है। उसके बाद जो 4 टॉपिक बच गया है उसको आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जिन बच्चों का प्रोबेबिलिटी अच्छा है वो उस पहले पर प्रोबेबिलिटी कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन रहता ही रहता है। फिर ओड्स अगेंस्ट एंड ओड्स इन फेवर, इसका भी एक क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है। इसके बाद बच्चों सेट रिलेशन फंक्शन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, जिन बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा है वो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। देन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को एक बार आप गो थ्रू कर लेना, उन कॉन्सेप्ट को रीड कर लेना, इनके क्वेश्चंस जो है स्टडी मटेरियल के आप लोग बना लीजिएगा। ये करीब 20 से 22 नंबर का एडवांस लेवल है, तब जाकर के ये आपका 100 मार्क्स का कवर हो पाएगा। इस तरह से हमारा ये डेज खत्म होगा। फिर नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, अर्ली मॉर्निंग उठ करके एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लेंगे, और मेनली जिस दिन पेपर है आपका उस दिन आप सुबह उठ करके अच्छी नींद लेने के बाद एक बार आप जितने भी फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना है आपको बस, और उसके बाद आपको एग्ज़ाम के लिए रेडी रहना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये स्ट्रेटजी अच्छा लगा होगा और इसको आप फॉलो कीजिएगा, और एग्ज़ाम के बाद ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा आपका एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।